मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPL 2020 के मैच नंबर 26 जो है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जिसका हम प्रीव्यू करेंगे। 7 सेगमेंट्स में प्रीव्यू करेंगे। पहला मैच इन्फो, हेड टू हेड प्लेइंग 11, फैंटेसी 11, प्लेयर्स बैटल, स्टेट्स एनालिसिस और मैच प्रेडिक्शन। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच इन्फो। तो मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये शाम 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। और जब वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है 181। दुबई में 181 पर एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है। तो यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेस करते हुए अभी तक टीम सिर्फ एक ही मैच जीती है और 7 मैचेस हारी हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, वहाँ पे 11 मैचेस खेले गए हैं अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम में, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। यानी कि बराबर या टक्कर का मुकाबला रहता है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है हैदराबाद का, लेकिन एक मैच जरूर ज़्यादा जीता है, बट इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। अब चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 से पहले आपको मैं टीम न्यूज बता दूँ। तो हैदराबाद से टीम न्यूज आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, और वहीं राजस्थान रॉयल्स से टीम न्यूज आ रही है कि स्पेन स्टोक्स पूरी तरीके से अवेलेबल हो गए। उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया है, जो 6 दिन का क्वारंटीन पीरियड था, और वो इस मैच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और जयदेव उनहदकट भी इस मैच में खेल सकते हैं बरुण एरन की जगह, क्योंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी पिछले मैच में, इसलिए जयदेव उनहदकट वापस प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। और चलते हैं प्लेइंग 11 की ओर। तो पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो वहाँ पे डेविड बॉर्नर, जॉनी बेरेस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, संदीप शर्मा, टी नटराजन, खलील अहमद। अब चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की ओर। तो वहाँ पे SSB जायसवाल, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, वेन स्टोक्स, माई पाल लोमरोर, राहुल तेवतिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, जयदेव उनहदकट। अब चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, दैट इज फैंटेसी 11। तो पहले मैं आपको अपनी फैंटेसी 11 बता रहा हूँ। आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी पिक पे करने हैं, जिस पे आप रिस्क लेना चाहें, क्योंकि कोई बल्लेबाज कभी परफॉर्म करेगा, कोई बल्लेबाज कभी परफॉर्म करेगा, या कोई बॉलर कभी परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर लक। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप अपने लक से बताएं, बट फैंटेसी 11 जरूर आप मेरी टीम के साथ जा सकते हैं। संजू सैमसन, जॉनी बेरेस्टो को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। स्टीव स्मिथ, मनीष पांडे, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया, अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, राशिद खान, ये थी मेरी टीम, और मैंने वाइस कैप्टन बनाया है वहाँ पे राशिद खान को। तो आप अपनी टीम भेज सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, और टॉप पिक और डिफरेंशियल पिक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पांचवें सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेयर्स बैटल। तो इस मैच में एक बहुत तगड़ी प्लेयर बैटल है, दैट इज जॉस बटलर वर्सेस राशिद खान। यहाँ पे राशिद खान का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, 3 इनिंग खेली हैं जॉस बटलर ने राशिद खान के सामने, जिसमें सिर्फ 3 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेल के, लेकिन 3 बार आउट भी कर दिया है राशिद खान ने। यानी कि 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया राशिद खान ने, पूरी तरीके से पलड़ा यहाँ पे राशिद खान का भारी। तो देखना होगा कि आज राशिद खान को वहाँ पे उनके कैप्टन डेविड वॉर्नर पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करेंगे जॉस बटलर के सामने या नहीं। अगर इंट्रोड्यूस किया तो जॉस बटलर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब चलते हैं अपने छठे सेगमेंट की ओर, दैट इज स्टेट्स एनालिसिस। तो पहला स्टेट से डेविड वॉर्नर को लेकर, डेविड वॉर्नर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL में 10 इनिंग खेल के 337 रन बनाए, 33 के एवरेज से 125 का स्ट्राइक रेट है, और 385 में भी मारे हैं। तो पूरी तरीके से अच्छा डेविड वॉर्नर के स्टेट्स बहुत अच्छे हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। देखते हैं क्या ये स्टेट्स आज उतने ही अच्छे रहते हैं या फिर नहीं। अब चलते हैं दूसरे स्टेट्स की ओर। तो दूसरा स्टेट्स है जॉनी बेरेस्टो को लेकर इन दुबई स्टेडियम में जॉनी बेरेस्टो का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। 6 इनिंग खेली है दुबई में, 255 बनाए, 63 के एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है, 385 मारे हैं। तो बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जॉनी बेरेस्टो का। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेट्स की ओर। तो तीसरा स्टेट है डेविड वॉर्नर को लेकर, डेविड वॉर्नर को सिर्फ 67 रन चाहिए IPL में 5000 रन पूरे करने के लिए, और वो ये करने वाले ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज हो जाएंगे IPL में। इससे पहले विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा 5000 रन IPL में पूरे कर चुके हैं, लेकिन डेविड वॉर्नर सबसे फास्टेस्ट होंगे जिनके 5000 रन हो जाएंगे। अगर आज के मैच में भी कर लेते हैं या फिर अगले मैच में भी करते हैं तो भी, क्योंकि बहुत ही फास्टेस्ट हैं डेविड वॉर्नर के रन, और 50 से ऊपर उनके 85 हैं IPL हिस्ट्री में। दैट ये आपको दिखाती है, उनकी कंसिस्टेंसी दिखाती है IPL में। अब चलते हैं अपने सातवें सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच प्रेडिक्शन। तो इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स टू विन दिस मैच। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।